हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज गिरनेश्वर में पूजा कर लिए हैं। अब पूजा करने के बाद हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से शिरडी, और शिरडी से हम लोग पुणे जाएंगे वाया समृद्धि महामार्ग। तो चलिए आज के जर्नी हम लोग देखते हैं कैसा रहेगा और आपको अपडेट देते रहेंगे, तो बने रहिए। ये देखिए राइट साइड में मंदिर है जहाँ हम लोग दर्शन किए थे गिरनेश्वर का, और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे वाया समृद्धि महामार्ग। तो गिरनेश्वर टेम्पल हम लोग अभी पार कर रहे हैं, बज रहा है 10:46 को हमने अपनी जर्नी शुरू की है। ये देखिए यही रास्ता है जहाँ से हम लोग मंदिर जाते हैं, और वो देखिए ये जो गुंबज दिखा है ये मंदिर है। देखिए दर्शन में अगर आपको अभिषेक करना है तो आपको सुबह सुबह आना चाहिए। सुबह आकर के आप अभिषेक कर सकते हैं, 2500 रुपये लगता है अभिषेक करने का। और अगर आप कोई बड़ा अभिषेक होता है वो भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, उसका 5000 लगता है। तो उसका रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हैं, वहाँ पे काउंटर रहता है, काउंटर पे रजिस्ट्रेशन हो जाता है। वो ये जो टाइमिंग रहता है, टाइमिंग आपका सुबह 7 बजे से शुरू होता है और दोपहर के 1:30 बजे तक रहता है। सैटरडेज़ को अगर आप मंदिर आएंगे तो मंदिर में भीड़ रहता है, तो आपको कम से कम 2-2.5 घंटा लग सकता है अगर आप अभिषेक नहीं करें तो। अगर आप अभिषेक करेंगे तो ऑफकोर्स आपको सुबह आना पड़ेगा, तो आपका टिकट कटा रहता है, तो आप जाकर के अभिषेक करेंगे तो आपको 1 आवर 1.5 आवर्स में आपका कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप सिर्फ दर्शन करके जाना चाहते हैं तो दर्शन करके जाने में आपको टाइम लगेगा। मंदिर से आप सीधा आएंगे, एक कर्व आएगा रोड पे, और कर्व लेकर के आपको राइट जाना है। देखिए सामने आपको नेशनल हाईवे दिख जाएगा, ये लोग जो बाईपास का जो फ्लाईओवर बनाते हैं ना वो है, और ये हम लोग पकड़ लेंगे धुलिया औरंगाबाद हाईवे। और अभी हम लोग टूवर्ड्स औरंगाबाद जाएंगे, मतलब टूवर्ड्स औरंगाबाद का हाईवे पकड़ेंगे, कहने का मतलब ये था, और वहाँ से हम लोग एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे। एक्सप्रेसवे यानी कि वहाँ से हम लोग समृद्धि महामार्ग पकड़ लेंगे, जो कि नया बनाया है ना बाला साहब समृद्धि महामार्ग एक्सप्रेसवे, वो पकड़ेंगे और पकड़ करके हम लोग शिरडी जाएंगे। और शिरडी से इस बार हम लोगों ने ये प्लान किया है कि हम लोग पुणे भी वाया एक्सप्रेसवे सिन्नर होते हुए ही जाएंगे। तो देखिए ये एक कैसा चौक आएगा, लिफ्ट चौक आएगा, और जो कल मैंने आपको नहीं दिखाया था, ये देखिए जो थोड़ा रॉन्ग साइड जो लेना रहता है, ये यही वाले जंक्शन से लेना रहता है, यही वाले जंक्शन से हम लोग थोड़ा रॉन्ग साइड मार के गए थे। तो हम लोग वापस अब हाईवे पे पकड़ लिए हैं, और पकड़ने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हार्डली 3 मिनट के अंदर घुसना पड़ता है, मैंने आपको बताया था 10:47 में हमने जर्नी शुरू किया था, 10:47 या 45 पे, और अभी 10:50 हो रहा है, मतलब 5 मिनट के अंदर में हम लोग गिरनेश्वर से बाहर हम लोग हाईवे पकड़ लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना पड़ता है। देखिए यहाँ से कट पड़ता है जिससे कि आप समृद्धि महामार्ग के एक्सप्रेसवे में चढ़ेंगे नागपुर और मुंबई के लिए। यहाँ पे आपके 12 किलोमीटर बोर्ड लिखा हुआ है, ये टोटल आपको पड़ा 12 किलोमीटर हम लोगों को यहाँ तक आने में दुले हाईवे पे, हाईवे टू हाईवे करीब करीब 12 किलोमीटर पड़ेगा। जब आप एलोरा से निकलेंगे और हाईवे पकड़ेंगे तो लगभग 12 किलोमीटर के बाद आपको एक्सप्रेसवे मिल जाएगा अगर आपको बॉम्बे या शिरडी जाना है। और ये देखिए हम लोग का एक्सप्रेसवे शुरू हो गया, इसमें तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो बनाया था जब हम लोग रांची गए थे, तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, उसको बहुत प्रिसाइज पूरा वीडियो बनाया गया है जिसमें कि आपको सब डिटेल्स मैंने दिया है जब हम लोग रांची से पुणे के तरफ जा रहे थे। तो रात में वीडियो हमने बनाया था, और रात में वीडियो बना के दिखाया था कि आपका जर्नी रात में भी कितना सेफ रहेगा, तो आप देख सकते हैं वो वीडियो। अगर आपको चाहिए तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ऊपर आई बटन पे भी लगा दूंगा। इस एक्सप्रेस हाईवे पे चलने का टोल कितना लगेगा ये मैं आपको एंड में जब हम लोग निकलेंगे तब हम लोग बताएंगे। जनरली 1.75 रुपीज पर किलोमीटर इसका टोल लगता है। यहाँ से नागपुर का तो लगभग 750-800 रुपये टोल इन्होंने लिया था, और जब हम लोग वापस आ रहे थे तो 900 रुपये का टोल लगा था। दोस्तों वेलकम टू समृद्धि महामार्ग वंस अगेन। हम लोग इस बार फिर समृद्धि महामार्ग से ही जा रहे हैं। अगर आपको नागपुर जाना है तो देखिए यहाँ से आप लेफ्ट मारेंगे और नागपुर निकल जाएंगे। मुंबई के लिए हम लोग सीधा निकल जाएंगे, और हम लोग अभी जो इस बार पुणे जा रहे हैं वाया सिन्नर जा रहे हैं, और शिरडी के लिए हालांकि हम लोग अभी थोड़ा सा हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे, लेकिन वापस यही एक्सप्रेस हाईवे पकड़ते हुए हम लोग पुणे निकल जाएंगे। और मैं आपको शिरडी का जो एग्जिट रहेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से हम लोग शिरडी के लिए एग्जिट।
हम लोग समृद्धि महामार्ग में 11:02 पे घुसे थे, तो देखते हैं शिरडी हम लोग कितने बजे निकल पाते हैं। स्पीड हम लोग नहीं तोड़ेंगे, स्पीड हम लोग 100-120 से ऊपर नहीं जाने वाले हैं, रूल्स नहीं तोड़ना है और आराम से ड्राइव करते हुए निकलते चलना है। लासूर का एग्जिट 25 किलोमीटर दिखा रहा है, मुंबई 322 और वैजापुर इज 40 किलोमीटर फ्रॉम हियर। ये देखिए यहाँ पे ये पहला पेट्रोल पंप है, लगभग आप 25 किलोमीटर चलेंगे टूवर्ड्स एलोरा से, जब आप एक्सप्रेस वे पकड़ते हैं 20-22 किलोमीटर जब आप चलेंगे एक्सप्रेस वे पे, तो आपको पहला पेट्रोल पंप HP का मिल जाएगा। आपको उसका साइन बोर्ड भी आपको 2.5-3 किलोमीटर पहले से दिखा देगा। और यहाँ से लासूरी 11 किलोमीटर, वैजापुर एग्जिट इज 26 किलोमीटर और मुंबई 308। देखिए करंज गांव और पीपल गांव के लिए ये वाला एग्जिट आपको मिलेगा अगर आप करंज गांव या पीपल गांव जाना चाहते हैं, तो एक्सप्रेस हाईवे से आप अपना आ सकते हैं और आ करके आपका यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। और लासूर एग्जिट अगर आपको करना है तो वो भी आपका आगे है, करीब करीब शायद 18 किलोमीटर दिखा रहा है, तो वो जैसा आएगा वो भी मैं आपको अपडेट करूँगा ताकि आप लोग को एक टेंटेटिव आइडिया हो जाए कि इस रूट को पकड़ के आप लोग को आना है और कहीं जाना है तो कैसे निकले। ये देखिए हम लोग वैजापुर और जम्मर गाँव के एग्जिट पर आ रहे हैं, इसको एग्जिट नंबर 19 बोलते हैं, लिखा हुआ है आपके बोर्डिंग में। देखिए आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए एग्जिट नंबर 19 है। तो जो लोग को गंगापुर जाना है वो भी इस रोड पे टर्न कर सक करके निकल सकते हैं। रोड तो नो डाउट एक्सप्रेसवे अच्छा बनाया है। अभी बजा है 11:27 और लगभग यहाँ से 25-26 किलोमीटर मैक्सिमम कोपरगांव होगा। दोस्तों हम लोग कोपरगांव पहुँच गए हैं, यहीं से आपको शिरडी का एग्जिट लेना है। आपको बोर्ड दिख जाएगा, देखिए सामने यहाँ पे मुंबई सीधा, शिरडी कोपरगांव लेफ्ट। अब हम लोग यहाँ से एग्जिट करेंगे और देखेंगे क्या चार्जेस लग रहा है हम लोगों को एलोराक वाले एक्सप्रेस हाईवे से चढ़ करके कोपरगांव तक आने का क्या चार्जेस में लगेगा। यहाँ से हम लोग शिरडी में भी दर्शन करेंगे, दर्शन करके वापस हम लोग एक्सप्रेस हाईवे होते हुए सिमर से चल जाएंगे। सिमर से हम लोग एक सेकंड स्लो रखिएगा, क्या लिखा है, शिरडी सीधा सीधा ऊपर चढ़ जाइए। कोपरगांव अगर आपको जाना है तो यहाँ से लेफ्ट लीजिए, शिरडी जाना है तो सीधा ले लीजिए, तो आप फिर आगे निकल जाएंगे, वरना कोपरगांव टाउन को शायद ये पार करा देगा। लास्ट टाइम मैं आया था तो कोपरगांव से ही एग्जिट की थी, क्योंकि हम लोग को डिनर करना था तो बाहर में ही होटल था, तो हम लोग वहाँ पे डिनर करते हुए निकले। और एक्सप्रेस हाईवे से जब आप उतरेंगे तो देखिए यहाँ पे ये पहला होटल आपको मिलेगा अगर आप शिरडी आ रहे हैं, जहाँ पे आप कुछ खा सकते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस हाईवे पे अभी भी उतना कुछ ज़्यादा बना नहीं है। लास्ट टाइम भी मैं आया था तो मैंने यहीं पे खाना खाया था, तो आप यहाँ खा सकते हैं, इसका खाना ठीक रहता है। ये देखिए शिरडी का जैन फूड स्वास्तिक वेज रिट्रीट, और उतना अच्छा रोड हम लोग को चलने के बाद फिर देखते हैं ये 10 किलोमीटर चलने में कितना समय लगता है। 11:50 अभी हुआ है, एक लगभग हम लोग 40-45 मिनट्स में हम लोग पूरा पार कर गए होंगे, एक्सप्रेस हाईवे पार कर गए। चलिए अब आगे का अपडेट आपको देते हैं। यहाँ का तो अभी आप देख रहे हैं पूरा ट्रैफिक से भरा हुआ और ख़राब रोड से पूरा बुरा हाल रोड है। A few moments later. दोस्तों साईं मंदिर हम लोग आ गए हैं, अंदर तो कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है तो अंदर का शूटिंग नहीं कर पाएंगे, पर अगर आपको पार्क करना है तो देखिए ये टेंपल व्यू है मंदिर के ठीक सामने, यहाँ आप पार्क कर सकते हैं।
दोस्तों एलोरा से कोपर गांव तक जो हम लोग एक्सप्रेसवे से आए हैं उसका 125 रुपये टोल लगा है समृद्धि महामार्ग पे। ये मैं सोचा मैं ये आपको अपडेट कर दूं क्योंकि उसका SMS आने में टाइम लगता है, तो अभी SMS हमने देखा और हमने सोचा आपको बता दें। अभी हम लोग शिरडी पहुंच गए हैं, बस यहाँ पे दर्शन करते हैं। अंदर तो कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो कोई सेंस नहीं बनता है कैमरा ले जाने का, और कैमरा आप ले भी नहीं जा सकते हैं। तो अभी हम लोग दर्शन करते हैं और दर्शन करने के बाद फिर हम आपसे कनेक्ट करते हैं। One hour later. दोस्तों हमने साईं बाबा का दर्शन कर लिया। ये देखिए यहाँ पे ये जो सामने आपको दिख रहा है ये मंदिर हो गया, और अब हम लोग जा रहे हैं पुणे की तरफ, वो भी वाया समृद्धि महामार्ग। यहाँ से हम लोग जाएंगे सिन्नर और सिन्नर से हम लोग कट मारेंगे। बजा है अभी 1:29 दोपहर के 30 मिनट, तो देखते हैं कितना समय लगता है। हम लोग तो हार्डली अब 7-8 किलोमीटर वापस जाना है, फिर तो वहाँ से एक्सप्रेस हाईवे ही मिल जाएगा। तो शिरडी से निकलने के में जो टाइम लगे, अभी तो शिरडी में जाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए शिरडी में कितना जाम है, तो अभी तो यहाँ पे जाम है थोड़ा। दोपहर का समय भी हो गया है और आज संडे भी है, तो घूमने वाले लोग आए हुए होंगे। तो चलिए जो टाइम लगेगा लगेगा, तो फिर हम लोग जैसा रहेगा आपको अपडेट करते हैं। हम लोग अभी बजा है 1:48 और हम लोग पहुँच चुके हैं एक्सप्रेस हाईवे पर वापस। तो लगभग 20 मिनट का लगा हम लोगों को एक्सप्रेस हाईवे पकड़ने में। और अब देखिए यहाँ से आप जब आते हैं तो मुंबई के लिए देखिए यहाँ पे लेफ्ट दिखेगा आपको बोर्ड में, और नागपुर जिसको जाना है वो सीधा निकल जाएगा। तो हम लोग तो बॉम्बे जाने वाले हैं, तो हम लोग लेफ्ट मारेंगे और निकल जाएंगे बॉम्बे की तरफ, और इनको नागपुर जाना है, वे नागपुर की तरफ निकलेंगे। अभी तो फ़िलहाल टोल पर गाड़ी का एंट्री होगा और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये क्या है देखिए, सीधा इधर से ऐसे नागपुर निकल जाएंगे, ऐसे मुंबई निकल जाएंगे। जब हम लोग निकलेंगे तो देखिए रेस्ट एंड पेट्रोल पंप का जो एरिया हो जाता है वो ये हो जाता है। भारत का पेट्रोल पंप आपको मिलेगा करीब करीब 20-25 किलोमीटर आप चल जाएंगे तो फिर आपको मिलेगा लेफ्ट साइड में आपको भारत का पेट्रोल पंप, और खाने पीने का भी इन लोगों के पास रहता ही है। आपको यहाँ पे अगर आप चाहें तो पेट्रोल फिल करके आप थोड़ा देर रेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग पुणे की तरफ बढ़ चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम लोग समृद्धि महामार्ग लेकर के आ रहे हैं। तो अब सिन्नर या फिर पुणे वाला जो है इंटरचेंज है यहाँ पे दिखा रहा है, तो अब हम लोग पुणे के लिए यहाँ से लेफ्ट मारेंगे और देखेंगे कितना टोल लगता है। अभी बजे हैं 2:15, मतलब हम लोग टाइम जो हमने चला है वो चला है हार्डली 20-22 मिनट। 48 या 50 पे हम लोग एक्सप्रेस हाईवे पकड़े थे ये वाला, हाँ 22 मिनट के आसपास में हम लोग पहुँच गए आपके पुणे वाला हाईवे, मतलब ये बोला जा सकता है इसको नासिक पुणे हाईवे, नासिक पुणे हाईवे पे पहुँच चुके हैं। तो अब देखते हैं कितना समय लगता है। 2:15 पे तो हम लोग नासिक पुणे हाईवे पकड़ लिए हैं, अब और क्या टाइम लगेगा ये हम लोग देख करके जैसा रहेगा आपको अपडेट करते हैं। A few moments later. दोस्तों एक्सप्रेस हाईवे से उतरने के बाद पूना की तरफ जाने के लिए ये संगम नेर के बाद आपको पहला टोल मिलेगा जो कि 105 रुपये का टोल आपको लगने वाला है। और यहाँ से फिर हम लोग आले फाटा तक जाएंगे और आले फाटा से हम लोग लेफ्ट लेकर के सीधे शिकरापुर की तरफ निकल जाएंगे। वो रूट मैं आपको बता दूंगा, जो लोग भी वागोली की तरफ रहते हैं उनके लिए वो रूट ज़्यादा अच्छा है, तो वो रूट से अगर आप आएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर आप एलोरा केव से इस रूट पे अगर आप आ रहे हैं तो लगभग आपको एक्सप्रेस हाईवे टू एक्सप्रेस हाईवे फ्रॉम एलोरा केव टू एक्सप्रेस हाईवे जहाँ पे एंड होता है वो आपको करीब करीब 1.5 घंटा 1.25 घंटा में आप पहुँच जाइएगा, तो ये ज़्यादा बेटर है। और यहाँ से वागोली कितना टाइम लगेगा ये देखना रहेगा, तो जैसा रहेगा मैं आपको आगे अपडेट करूँगा। 1 hour later. अभी हम लोग आले फाटा पहुँच गए हैं। आले फाटा से देखिए ऐसे भी बाईपास जो है बना नहीं है, तो आपको टाउन में घुसना है अगर आप वागोली की तरफ आ रहे हैं तो। और टाउन में जब आप घुसेंगे तो मैं आपको कट बताऊंगा कहाँ से लेफ्ट लेना रहेगा, तो आप वहाँ से लेफ्ट ले लीजिएगा और लेफ्ट लेकर के आप सीधे शिकरापुर के लिए निकल जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे बोर्ड भी बना हुआ है, इसमें लिखा है अहमदनगर इज 81 किलोमीटर्स, टर्न लेफ्ट ऑन टू नेशनल हाईवे 61।
यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे और लेफ्ट लेके फिर एक राइट लेना रहेगा, वो राइट लेन भी मैं आपको बताऊंगा। पर अभी बजा है दोपहर के 3:47 यानी कि 15:37 और यहाँ से देखते हैं शिकरपुर जाने में कितना टाइम लगेगा। A few moments later, जम्बाडी रोड। दोस्तों उस रोड पे आप जब सीधा चलते जाएंगे ना तो एक राजश्री होटल पड़ेगा, वो होटल से आप हार्डली 100 मीटर आगे जाएंगे तो आपको एक राइट टर्न मिलेगा, वो राइट टर्न मार के आपको ये वाले रोड पे आना है जो रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको ये रोड को कहीं नहीं छोड़ना है, रोड को सीधा चलते चलना है और चल के आप सीधे शिकरापुर के हाईवे पे पहुंच जाएंगे। इस रोड पे हालांकि आपको बम्प्स मिल रहे हैं, इस रोड पे स्पीड ब्रेकर बहुत सारे हैं, बाकी रोड तो अच्छे हैं बट स्पीड ब्रेकर आपको रास्ता में मिलेगा। टर्न लेफ्ट ऑन टू नारायण गांव बिल्ली रोड जम्बाडी रोड देन टर्न लेफ्ट ऑन टू बिल्ली शिरूर रोड। ये देखिए यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है, बेली रोड कहते हैं। बेलेश्वर रोड, इस रोड को बेलेश्वर रोड बोलते हैं। यहाँ से आप लेफ्ट मारेंगे, मतलब आप राइट मारे राजश्री से और सीधा आए, और सीधा आने के बाद फिर फर्स्ट लेफ्ट मार के आपको स्ट्रेट जाना है। और अभी बजा है 3:48 दोपहर के। ये मंदिर जो आपको दिख रहा है, ये मंदिर से आपको राइट मारना है। मुक्ताई माता का मंदिर है। और अब इस रोड को नहीं छोड़ना है, इस रोड पे 16 किलोमीटर कंटिन्यूअसली चलना है। देखिए दोस्तों, किसी को अगर रांजनगांव या शिरूर जाना है तो आप लोग ये वाला हाईवे पकड़ सकते हैं। देखिए भेले से 23 किलोमीटर जब आप आएंगे तो आपको शिरूर या रांजनगांव के लिए इधर आप जा सकते हैं, और हम लोग तो सीधा जाएंगे क्योंकि हम लोग शिकरापुर जा रहे हैं तो हम लोग सीधा निकल जाएंगे। खाने पीने का भी आपको बीच बीच में मिलते रहेगा, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट तो नहीं मिलेगा बट हाँ ठीक ठाक खाने पीने का आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। पेट्रोल अपना भरा के रखिए क्योंकि पेट्रोल पम्प आपको थोड़ा दूर दूर पर मिलेगा और यहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, तो खाली आपको मिलेगा तो डिस्टेंस आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। A few moments later, हम लोग आ गए हैं लोनी, और लोनी से हम लोग को यहाँ से टी जंक्शन बन रहा है, टी जंक्शन से हमको लेफ्ट मारना है और मार करके हमको शिकरापुर की तरफ निकलना है। अगर आपको भीमा शंकर जाना है तो भीमा शंकर आप यहाँ से जा सकते हैं, शिकरापुर से जो लोग आ रहे हैं तो ये आपको ज़्यादा शॉर्ट पड़ता है और खाली खाली रास्ता मिलता है। बाकी हम लोग को तो इधर जाना है शिकरापुर की तरफ, तो हम लोग लेफ्ट लेकर के शिकरापुर की टूवर्ड्स बढ़ रहे हैं। दोस्तों जिस पॉइंट से मैंने आपको बताया था कि जहाँ से हम लोग को सीधा चलना है उस रोड से आप सीधा आएंगे आले फाटा से, तो देखिए यहाँ पे आपको ऊपर में बोर्ड दिख जाएगा, मैं जूम कर देता हूँ। ये देखिए जिजूरी का आपका राइट दिख रहा है, पुणे का साइड राइट दिख रहा है और अहमदनगर लेफ्ट दिख रहा है। तो ये देखिए ये वाले जंक्शन से आप राइट मारेंगे और राइट मार के फिर से राइट मारेंगे तो आप नगर रोड पकड़ लेंगे। तो जो लोग भी वागोली में रहते हैं, शिकरापुर में रहते हैं, लोनीकंद में रहते हैं या खराड़ी में भी रहते हैं तो उनके लिए ये रूट ज़्यादा बेटर हो जाता है अगर आप नासिक से आ रहे हैं या फिर आप शिरडी से आ रहे हैं, एलोरा से भी आप आएंगे तो आपको ये रोड ज़्यादा बेटर है। अभी दोपहर का 4:52 हुआ है और 4:52 मतलब लगभग सवा घंटा, एक घंटा हम लोग लगा होगा ना यहाँ तक, लगभग एक घंटा हम लोगों को लगा यहाँ तक पहुँचने में। ये पॉइंट पे बस आपको हल्का सा ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद तो शिकरापुर का बस जाम नहीं मिले तो हम लोग फटाफट घर पहुँच जाएंगे क्योंकि यहाँ से तो हार्डली वागोली वालों के लिए तो 25 किलोमीटर है। बस आपको राइट मारना है और राइट मार के आप लोग जो भी लोग खराड़ी में रहते हैं, चंदन नगर में रहते हैं या फिर वागोली में रहते हैं, नगर की तरफ से जो पूना शहर में एंटर करना चाहते हैं उनके लिए ये वाला रोड ज़्यादा बेटर है। दोस्तों हम लोग कोरेगांव भीमा पहुंच गए हैं, बस यहाँ से वागोली हार्डली 12 किलोमीटर। संडे का दिन था, उतना ट्रैफिक नहीं मिला हम लोगों को थनासवाड़ी में, और
शिकरापुर में। तो अब हम लोग बस वाघोली पहुँचेंगे, वैसे भी 5:03 हो गए हैं, तो अब वाघोली बस पहुँचेंगे और अपना आज का जो व्लॉग है उसको क्लोज करेंगे। दोस्तों हम लोग घर पहुँच गए हैं, 6 बजे हम लोग को घर पहुँचने में। अब हम लोग बीच में एक्चुअली पेट्रोल भराने लगे, पेट्रोल भराने के बाद एक काम था वो करिए, उसकी वजह से 6 बज गया था। अब हम लोग घर पहुँच गए, अब हम लोग तो इस ब्लॉग को हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में।